हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम कर। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम है आरआई ओ ट्रिपल एस सी जो आसूची आमर है ओ ट्रिपल एस सी जो आसूची आरआई है ओमेन एवं ए आरआई पाई मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस रो मोस्ट इम्पोर्टेंट 50टा प्रश्न ये वीडियो आम आज डिस्कस करवा। तो वीडियो टी शेष पर्यंत देखु। तो चलो तो वीडियो टी स्टार्ट करवा आज प्रथम प्रश्न रु। तो आज प्रथम प्रश्न होगा आज फर्स्ट क्वेश्चन होमर वाशिंग सोडा इज द कमन नेम ऑफ माने वाशिंग सोडा कहार ना अटे कहार कमन ना अटे है सोडियम कार्बोनेट सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट ना कैल्शियम कार्बोनेट। तो यार राइट आंसर हूँ सोडियम कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट को आम वाशिंग सोडा कही था हला। तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज माने इलेक्ट्रिक बल्ब रे क्यों गैसटा भरा भर्ती करा जाई थाई। तो राइट आंसर होची हमरो कोटा नाइट्रोजन गैस माने जवखार जान गैसटा माने नाइट्रोजन गैस को हम बल्ब रे इलेक्ट्रिक बल्ब रे यूज करी थाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन होची केमिकल फॉर्मूला वाटर वाटर रो रासायनिक नाम कौन। तो राइट आंसर होची H2O हला माने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फ्रॉम एन एमलागम विथ अदर मेटल्स माने ये जो चारोटी ऑप्शन अच्छी यहाँ भितर कौ धातुटा हला अन्य धातु सहित अन्य धातु सहित मिश्रण सृष्टि करे मिसी था गोटे अम्लगम सृष्टि करी था। तो राइट आंसर होची आमर के मर्क्यूरी के करी था मर्क्यूरी करी था माने जहाँ को आम कहूँ मर्क्यूरी माने कौन पारद हला। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल माने पेंसिल रे कौन व्यवहार करा जाय थाय। तो राइट आंसर होची आमर कौन करा जाय थाय ग्राफाइट है ग्राफाइट पेंसिल यूज करा जाए था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन व्हिच सेंट्रल मेटल माने क्लोरोफिलटा गोटे नेचुराली गोटे प्राकृतिक होता गोटे चिलेट कंपाउंड है जोटा कि कौ मेटल रे मिले कॉपर मैग्नीशियम आयरन ना कैल्शियम। तो राइट आंसर होची हमर मैग्नीशियम कौन मिले मैग्नीशियम रे मिले। तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हला माने कौटा गोटे अधातु अटे जोटा कि रूम टेम्परेचर रे हला कौन रहे लिक्विड रे रहे हला माने तरल अवस्था रे रहे। तो राइट आंसर होची हमर कोटा ब्रोमीन हला ब्रोमीनटा गोटे नॉन मेटल अटे माने अधातु अटे जोटा कि रूम टेम्परेचर रे भी लिक्विड अवस्था माने तरल अवस्था रे रही थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रास गैस डिसकलर इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर माने ब्रास हम जहाँ को कहूँ पित्तल है पित्तलटा कौन एयर रो संस्पर्श रे आसिले डिसकलर माने कलर तार कौन हो जाए लिभि जाए हला कौ कारण माने वायु रे थिबा कौ गैस रो कारण रो एटा होई थाए। तो राइट आंसर होची हमर हाइड्रोजन सल्फाइड हला तो एयर रे थिबा हाइड्रोजन सल्फाइड जोगु ब्रास रो कलर टा डिसकलर हो जाए। नेक्स्ट तो राइट आंसर होची हाइड्रोजन सल्फाइड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड अप ऑफ माने इलेक्ट्रिक बल्ब रे जो फिलामेंटा लगी था से कौ धातु तैयारी। तो राइट आंसर होची टंगस्टेन से कौ धातु तैयारी टंगस्टेन रु तैयारी। तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर द ट्री व्हिच सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेस टू द सॉइल इज नोन एज माने गछ हला द ट्री व्हिच सेंड्स डाउन रूट्स माने जोटा कि तलर जो रूट्सटा अच्छे ताकि ब्रांच मान मैंने शाखा मान को पठाए हला से आम कौन कहूँ से गच को आम कौन कहूँ।
तो राइट आंसर होची हमरो बेनियन ट्री हैला माने कोन कहू छु बेनियन ट्री कहू छु हैला हैला तो राइट आंसर होची बरो गछ बेनियन ट्री माने कोन जी बरो गछ माने कोन कहै छी एटा जोटा जो हैला सेंस डाउन रूट्स माने तारो शाखा रु हैला एटा जदी बरो गछ होई थी तारो शाखा रु तळ को जो रूट्स मान को जो पठाई सेटा को कहू छी हैला मृतिका तल को जो पठाई तार रूट्स गुडा को सेटा को कहू छी सेटा को गछ करे बेनियन ट्री करे माने बरो गछ करे हैला तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड माने माने गुटे प्रॉपर्टी हैला ऑफ ए सब माने गुटे पदार्थर प्रॉपर्टी हैला टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर माने वायु थारु तारो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करे हैला तारो एक्सपोजर को कोन कहा जाय सेटा को कोन कहा जाय तो राइट आंसर होची हमरो डी लिक्विसिन्स कहा जाए कौन कहा जाए डी लिक्विसिन्स कहा जाए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इनक्लूड माने वेल्डिंग कला बेले जो गैसटा आम व्यवहार कर गैसटा को गैस थाए तो राइट आंसर होमर ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस रे थाए हैला जो आम डिफरेंट टाइप रो जो वेल्डिंग करूचु सेतरी हैला ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस थाए तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द इनर्ट गैस व्हिच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग इज माने हैला जो इनर्ट गैस हैला जोटा कि आम जोटा कि नाइट्रोजन को माने जवक्षारजान को वायु रे सब्स्टिट्यूट करी माने नाइट्रोजन बदल रे ताहा देखिबा को पाई हैला जोटा को कि आमे हैला जो सी डाइवर्स माने जे माने जो माने समुद्र रे समुद्र तल को जानती हैला सही माने श्वास नेबा पई व्यवहार करंती सेइटा कोन तो राइट आंसर होची हमरो सही गैसटा होची हीलियम गैस को गैस सेइटा सही गैसटा होची हीलियम गैस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हैला हीलियम गुटे इनर्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट माने गुटे लुब्रिकेंट हिसाब रे कोटा को यूज करा जाए ग्राफाइट सिलिका आयरन ऑक्साइड ना डायमंड तो राइट आंसर होची हमरो ग्राफाइट ग्राफाइट को गुटे लुब्रिकेंट हिसाब रे यूज करा जाए व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो टेट्रा एथाइल लिट इज यूज्ड एज माने टेट्रा एथाइल लिट को लको हिसाब रे व्यवहार करा जाए तो राइट आंसर होची हमरो पेट्रोल एडिटिव हैला पेट्रोल एडिटिव पई हैला टेट्राथिल लिट को व्यवहार करा जाए तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो द वैरायटी ऑफ कोल इन व्हिच द डिपॉजिट कंटेंट्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज माने जो थिरे हैला जो को वैरायटी रा कोल रे सबठारु हैला कोन सबठारु तार ओरिजिनल प्लांट मटेरियल टा थाए को वैरायटी रा कोयला रे तो राइट आंसर होची हमरो कोटा पीट तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ माने सबठारु हार्डेस्ट माने कठिनतम पदार्थ पृथ्वी रे कोटा गोल्ड आयरन डायमंड ना प्लाटिनम तो राइट आंसर होची डायमंड माने हीरा होची सबठारु हार्डेस्ट सब्सटेंस हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ब्रोमिन इचे माने ब्रोमिन गुटे कोन तो राइट आंसर होची हमरो ब्रोमिन इचे रेड लिक्विड हैला माने ब्रोमिन गुटे लाल कलर रो तरल पदार्थ हैला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस माने ए जो चारटी ऑप्शन दैचे चार भितर को गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाए नहीं तो राइट आंसर होची हमरो हाइड्रोजन गैस हैला हाइड्रोजन गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाए नहीं माने ग्रीन हाउस गैस माने GHG हैला मिथेन नाइट्रस ऑक्साइड माने कार्बन ऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची एडो का माने मन रखनेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो क्वार्ट्ज क्रिस्टल नॉर्मली यूज्ड इन क्वार्ट्ज क्लॉक्स ETC इज केमिकली माने जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल माने क्वार्ट्ज रो जो स्वच्छ जिनिसटा हैला क्वार्ट्ज क्लॉक्स रे माने क्वार्ट्ज रो
କ୍ଲକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା କେମିକାଲି କ'ଣ, ସେଇଟା ମାନେ ରାସାୟନିକ ହିସାବରେ କ'ଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସିଲିକନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍, ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କୁକିଂ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଆର୍ କୋଟେଡ଼୍ ୱିଥ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବାସନ କୁସନରେ ଯେଉଁ ହେଲା ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ଯେଉଁ ଧରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେଇ ଉପରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ହେଲା ମାନେ କୋଟ୍ କରାଯାଇଥାଏ, କୋଟେଡ଼୍ କରାଯାଇଥାଏ ମାନେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଆବରଣ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପି ଭି ସି, ଟେଫ୍ଲନ୍ ନା ପଲିଷ୍ଟେରିନ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଟେଫ୍ଲନ୍। କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଟେଫ୍ଲନ୍ର ଆବରଣ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଯେଉଁ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ଇଲିମେଣ୍ଟ କମନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଏସିଡ଼ିଜ୍, ମାନେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟା ହେଲା, କେଉଁ ଉପାଦାନଟା ସବୁ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ବି ଏସିଡ଼୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ଏସିଡ଼୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ଅଟେ, ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଟା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା ସବୁ ଏସିଡ଼୍ ପାଇଁ, ସବୁ ଅମ୍ଳୀୟ ପାଇଁ ହେଲା ସାଧାରଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ, କେଉଁଟା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍, ଦ କେମିକାଲ ଇଥାଇଲ୍ ମର୍କାପ୍ଟେନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ କେମିକାଲଟା ଗୋଟେ ଇଥାଇଲ୍ ମର୍କାପ୍ଟେନ୍ ତାହାର ନାଁ ହେଲା, ଏଲେଟ୍ ଟୁ ଦ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅର୍ଡ଼ରଲେସ୍ ଏଲ୍ ପି ଜି, ମାନେ ଲିକ୍ୱିଫାଇଡ଼୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଲ୍ ପି ଜିରେ ଇଥାଇଲ୍ ମର୍କାପ୍ଟେନ୍ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା, ଫର୍ ଇମ୍ପାର୍ଟିଂ ଏ ଡିଟେକ୍ଟେବୁଲ୍ ସ୍ମେଲ୍ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଯେଉଁ ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଥାଇଲ୍ ମର୍କାପ୍ଟେନ୍ର ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ଗନ୍ଧ ଆସେ ହେଲା। ଯଦି ମାନେ ଏଲ୍ ପି ଜିର ଲିକେଜ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ସେଇଟାକୁ ଏଡ଼୍ କରାଯାଏ ଏଲ୍ ପି ଜିରେ କୁକିଂ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହେଲା, ସେଇଟା କାହା କାହାର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ସଲଫର୍ର, କାହାର, ସଲଫର୍ର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଟେ ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍, ହେଭି ୱାଟର୍ ଇଜ୍, ମାନେ ହେଭି ୱାଟର୍ କ'ଣ ଅଟେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ହେଲା, ହେଭି ୱାଟର୍ କ'ଣ? ଡ୍ୟୁଟେରିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍, ଅପସନ୍ ଇ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍, ଦ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଏଫ୍ ସି ଓ ଏନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଇ ମେ ବେଷ୍ଟ କଲ୍ଡ ଏଚ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲ୍ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଏଫ୍ ଇ ମାନେ ଲୁହା, ଆଇରନ୍, କୋ ମାନେ କୋବାଲ୍ଟ, ସି ଓ ଏନ୍ ଆଇ ମାନେ ନିକେଲ୍ ହେଲା, ଏହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମେଟାଲ୍ସ, ମେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମେଟାଲ୍ସ, ଆଲକାଲି ମେଟାଲ୍ସ ନା ରେୟାର୍ ମେଟାଲ୍ସ ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଏହାର ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମେଟାଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମେଟାଲ୍ସ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟାକୁ ପିରିଓଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ମେଟାଲ୍ସ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଭେରିଅସ୍ ଏଲୋଟ୍ରପ୍ ଅଫ୍ କାର୍ବନ୍, ମାନେ କାର୍ବନ୍ର ଏଲୋଟ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଲା, ଡାଇମଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ହାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା, ହାର୍ଡ଼େଷ୍ଟ ମାନେ କଠିନ ଜିନିଷ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସଫ୍ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କୋମଳ ଜିନିଷ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଜିନିଷ, କାହାର, କାର୍ବନ୍ର ଯେତିକି ବି ଏଲୋଟ୍ରପ୍ ଅଛନ୍ତି ହେଲା, ଏଲୋଟ୍ରପ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଗାଲଭାନାଇଜ୍ଡ ଆଇରନ୍ ସିଡ୍ସ ହେଭ୍ ଏ କୋଟିଂ ଅଫ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ଡ ଆଇରନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଲୁହାକୁ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ତାହାର ଆବରଣ, ତାହାର ହେଭ୍ ଏ କୋଟିଂ ଅଫ୍ ଡେସ୍, ମାନେ ତାହାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆବରଣ ଥାଏ, ମାନେ କାହାର ଆବରଣ ଥାଏ ସେ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ଡ ଲୁହା ଉପରେ, ଲିଡ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ଜିଙ୍କ ନା ଟିନ୍? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର କାହାର ଥାଏ, ଜିଙ୍କର ଥାଏ ହେଲା, ମାନେ ଜିଙ୍କର କୋଟିଂ ଆବରଣ କରିଥାଉ ଯେଉଁ ଲୁହାକୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଗାଲଭାନାଇଜ୍ଡ ଆଇରନ୍ କହୁଛୁ ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱେନ୍ ଏନ୍ ଆଇରନ୍ ନଲି ଗେଟ୍ସ ରଷ୍ଟେଡ଼୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ଗୋଟେ ରଡ଼୍କୁ ହେଲା ଆମେ ରଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଉଛୁ ହେଲା, ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଇଜ୍ ଫର୍ମଡ଼୍, ମାନେ ସେଇଥିରୁ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ଫର୍ମ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ହେଲା, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହାରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଲୁହା ରଡ଼୍ରେ ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୁହା ରଡ଼୍ରେ ମାନେ ସେଇ ଲୁହ ନଲିରେ ହେଲା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ଟା କ'ଣ ଗଠନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ୱେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ନେଲ୍, ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ନେଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଥାଏ, ନଲିଟା ଯେଉଁ ଥାଏ, ତା'ର ୱେଟ୍ଟା, ତା'ର ଓଜନଟାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ମାନେ ବଢ଼େଇ ଥାଏ ହେଲା, ତା'ର ୱେଟ୍ଟା ମାନେ ଓଜନଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ଏଭରେଜ୍ ସାଲିନିଟି ଅଫ୍ ସି ୱାଟର୍ ଇଜ୍, ମାନେ
गोटे समुद्र पानी रे हला तार जो हाराहारी कौन सालिनिटी ता थाए सालिनिटी माने कौन जो लवण तो लवणत्व थाए सेटा केते परसेंट थाए तो राइट आंसर होची हमरो 3.5% थाए केते थाए 3.5% थाए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज माने ए जो चारोटी ऑप्शन देछि हला एक्शन रो एक्टिविटी माने चारोटी कार्य रो एक्टिविटी रो ऑप्शन देछि हला तो ये चारोटी कार्य जो एक्टिविटीज रे को एक्टिविटीज रे सिलिकॉन कार्बाइडटा व्यवहार करा जाए तो राइट आंसर होची हमरो कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंस माने जो कठिनतम पदार्थ गुडी को यदि काटिबार अछि सेहिथि पई सिलिकॉन कार्बाइड को व्यवहार करा जाए हला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर माने सोडियम मेटल को सोडियम धातु को हला कहा अंडर रे रखा जाए कौथि रखा जाए पेट्रोल अल्कोहल वाटर ना किरोसिन तो राइट आंसर होची किरोसिन रे सोडियम को रखा जाए हला तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेंपरेचर माने ए चारोटी ऑप्शन रु हला कौटा रूम टेंपरेचर रे तरल अवस्था रे थाई तरल अवस्था रे थाई हला तो राइट आंसर होची हमरो फ्रांसियम कोटा थाए फ्रांसियम फ्रांसियम टा रूम टेम्परेचर रे तरल अवस्था रे थाए हला लिक्विड फॉर्म रे रही जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होचे हमरो फ्रांसियम तो राइट आंसर होचे ऑप्शन सी। नेक्स्ट हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज टू बी डिस्कवर फास्ट इन द क्रोमोस्फीयर ऑफ द सन माने सूर्यर जो क्रोमोस्फीयर थाए हला सूर्यर जो क्रोमोस्फीयर थाए हला सेटा फास्ट टाइम के डिस्कवर करा जायतला माने को ये जो चारोटी जो गैस मानकर ना देची हला सूर्यर क्रोमोस्फीयर रो कोटा को फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा जायतला तो राइट आंसर होची हमरो हीलियम हला हीलियम गैस को हला सन रो क्रोमोस्फीयर रो डिस्कवर फर्स्ट टाइम करा जायतला हला तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो मोस्ट सोल्युबल इन वाटर इज माने पानी रे सबठारु सोल्युबल जिनिस कोटा केम्फर सल्फर कॉमन सॉल्ट ना सुगर तो राइट आंसर होची हमरो सुगर हला सुगर टा होची सबठारु मोस्ट सोल्युबल जिनिस हो हला पानी रो तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट इंपोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम इज माने एल्युमिनियम रो सबठारु इंपोर्टेंट ओर माने खणीटा कोटा गैलेना कैलामाइन कैल्साइट ना बॉक्साइट हला तो एल्युमिनियम रो सबठारु इंपोर्टेंट खणीटा कोटा तो राइट आंसर हला हमरो बॉक्साइट हला बॉक्साइट होची एल्युमिनियम रो सबठारु मोस्ट इंपोर्टेंट ओर माने खणी। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो सोडा वाटर कंटेंट्स माने सोडा वाटर रे कोन थाय तो राइट आंसर होची हमरो कोन थाय कार्बोनिक एसिड थाय कोन थाय सोडा वाटर रे कोन थाय हमरो कार्बोनिक एसिड थाय तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ माने गोटे पानी रो जदि परमानेंट माने स्थायी हार्डनेस को हमरो जदि रिमूव्ड माने रिमूव करिवार अछि हला ताहेले सेथिरे हम कोन मिसेबा सेही हार्डनेस सेही हार्ड वाटर रे हम कोन मिसेबा तो राइट आंसर होछि हमरो सोडियम कार्बोनेट कोन मिसेबा सोडियम कार्बोनेट हला जदि हार्ड वाटर रे जदि हम सोडियम कार्बोनेट को मिसेबा ताहेले सेही पानी रो परमानेंट हार्डनेस टा चली जीव हला तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो पोटासियम नाइट्रेट इज यूज्ड इन माने पोटासियम नाइट्रेट टा कोथिरे व्यवहार करा जाए तो राइट आंसर होची हमरो फर्टिलाइजर हला माने तो सार रे पोटासियम नाइट्रेट टा व्यवहार करा जाए हला तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर याको मन रखनिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो कार्बन डायमंड एंड ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड माने कार्बन डायमंड हला कार्बन डायमंड हीरा एवं ग्राफाइट को एकाठी कौन कहा जाए तो राइट आंसर होची हमर एलोट्रोप कहा जाए कौन कहा जाए एलोट्रोप कहा जाए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ माने मोनाजाइट कहार गोटे ओर अटे माने खणी अटे टाइटानियम जिरकोनियम आयरन ना थोरियम तो राइट आंसर होची हमर थोरियम हला थोरियम रो गोटे ओर होची कौन मोनाजाइट
नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर मार्स गैस माने मार्स गैस कहा को कहा जाए तो राइट आंसर होची मीथेन मीथेन को मार्स गैस कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर परमानेंट हार्डनेस माने एटा माने नेक्स्ट को हमें प्रीवियस क्वेश्चन रे करिकला हला तो यार राइट आंसर कोटा हो तो यार राइट आंसर हो हमर वाशिंग सोडा हला माने परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय एडिंग माने गोटे परमानेंट हार्डनेस थिवा वाटर रे कौन मिसाइले तारो परमानेंट हार्डनेस टा चली जीवो तो राइट आंसर होची वाशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो इन फायर वर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ माने जो फायर वर्क्स करा जाए हला जो सोल्डिंग करा हुए हला जो वेल्डिंग करा जाए हला सही तरह जो ग्रीन फ्लेम टा आसे हला जो ग्रीन माने सबुज रंग जो फ्लेम टा आसे जो जोड़े हला वेल्डिंग कला टाइम रे हला सही टा को कारण रो उत्पन्न हुए हला तो राइट आंसर होचे हमरो बेरियम हला सही तरह बेरियम थीवा जो हला बेरियम जो से ग्रीन फ्लेम टा माने सबुज फ्लेम टा उत्पन्न हुए फायर वर्क्स हला तो राइट आंसर होचे ऑप्शन बी। डायमंड इज एन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ माने डायमंड कार उठे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होते तो राइट आंसर होची हमरो ऑप्शन बी माने कार्बन रहूची इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होची कौन डायमंड हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फिलामेंट ऑफ एन एटा में भी कहिचे एटा राइट आंसर हो टंगस्टन हला। नेक्स्ट क्वेश्चन ला द टू एलिमेंट्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर्स आर माने जो दुईटा उपादान हला जो जोटा कि ट्रांजिस्टर्स बनेबा पई ताकू व्यवहार करा जाए सेटा कोन कोन तो राइट आंसर होची हमरो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम कोडा सिलिकॉन एवं जर्मेनियम को हला ट्रांजिस्टर्स तयारी पई व्यवहार करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिनाइड्स आर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम माने जो पीरियोडिक टेबल रे जो थाई हला लास्ट जो हला 14 14 टा 14 14 टा एलिमेंट्स जो थाए हला सही तरी कहा को एक्टिनाइड्स कहा जाए हला जो जार नंबर केते थारु केते थिवा पर्यंत को हमें एक्टिनाइड्स कहि थाउ तो राइट आंसर होची केते 89 रु 103 हला माने 99 रु 103 पर्यंत जा जो एटॉमिक नंबर थाए ता को हमें एक्टिनाइड्स कहुचू हला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट इज लाफिंग गैस हला माने लाफिंग गैस कौन लाफिंग माने हसो गैस हला तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए हला नाइट्रस ऑक्साइड को हमें लाफिंग गैस माने कहि थौ हला जदी नाइट्रस ऑक्साइड को के जदी सुंघि देला तो से हसी हसी बेदम हे जो हला तो राइट आंसर होची नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन माने को खनिज पदार्थ रु हला मिनरल रु खनिज रु रेडियम को बाहर करा जाए तो राइट आंसर होची हमरो पिच ब्लेंड ओथरु पिच ब्लेंड रु रेडियम को प्राप्त करा जाए हला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो आज रो लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल माने जो गन मेटल माने जो गोली रे जो बारूद जो तैयारी करिया पई जो इनग्रेडिएंट माने उपादान गुड़ी को थाए ता सेटा को कौन कौन तो राइट आंसर होची हमरो कॉपर टिन एवं जिंक कौन कॉपर टिन एवं जिंक हला सेटा को गन पाउडर रे सेटा को हमें गन मेटल कहि थाउ हला कौन कौन कॉपर टिन एवं जिंक तो राइट आंसर होची ऑप्शन डी हला। थैंक यू।